स्थल पर हम लोग खड़े हैं, इसको भरत मिलाप का मैदान कहा जाता है। यह रामलीला अति प्राचीन और अपने इतिहास को समेटे हुए है। तमसा के पावन तट पर इसकी शुरुआत कब हुई ये कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग हजारों वर्ष कहते हैं, कुछ लोग 400-500 साल कहते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि चूंकि वाल्मीकि जी का संबंध इस शहर से रहा है, रामायण की रचना इसी तमसा किनारे हुई, तो रामायण कालीन यहाँ का मेला है। और इस भरत मिलाप का इतना महत्व है कि देश विदेश तक इसकी ख्याति है। मऊ की भरत मिलाप और काशी का भरत मिलाप, ये उत्तर प्रदेश में सबसे मशहूर दो जगह के भरत मिलाप हैं, जिनका संबंध सूर्य की किरणों से है। मऊ की भरत मिलाप जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्यदेव अपने किरण के साथ प्रवेश करते हैं प्रातःकालीन, उस समय भरत जी अपने भाई का इंतजार करते हैं। और आप देखेंगे उस समय यहाँ मैदान पर लाखों लोग अश्रु पुरुत हो जाते हैं, लोग रोने लगते हैं दो भाइयों का मिलन देखकर। ठीक इसी प्रकार काशी की नाटीमली में शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है, उस समय दोनों भाइयों का मिलन होता है, वह काशी की लीला के नाम से मशहूर है। मिलनशील इसलिए कि देखिए ये जो स्थल है, ये बेगम जहांआरा जो औरंगजेब की पुत्री थी, उन्होंने गोरखपुर जाते समय मऊ को सरायखाने के रूप में अपना इजाद किया था और यहाँ पे उन्होंने एक शाही मस्जिद का निर्माण कराया। यहाँ पे उनके घुड़सवार थे, सिपाही थे। रौजा पर जो मलिक ताहिर बाबा का मजार है, वो उनके यहाँ के स्थानीय कमांडर थे, तो उनकी सुरक्षा में वो लगे रहते थे। इसलिए कहा जाता है कि बेगम जहांआरा ने यहाँ की रामलीला को देखकर इतना ज़्यादा वो प्रभावित हुई कि उन्होंने खुद रामलीला का जो विमान था उसको लेकर यहाँ शाही मस्जिद तक आती थी। अरे यार, बंद कर दो ना गड़िया। तब से एक प्रचलन चल गया है कि इसका जो है दोनों तरफ से लेके आते हैं लोग और यहाँ रखा जाता है उस विमान को। एक मतलब एकता का ये परिचायक बना दिया गया।